Welcome back to the class. So guys, this is the second class of level 1, या level A, basic class. और आज मैं आपको 3 task दूंगा. वो 3 task आपको ऐसे ही करने हैं जैसे आपने पिछली class में किए थे. और आज आप कोई translation नहीं करने वाले हैं, आप direct English बोलने वाले हैं. ठीक है? Ready हो सीखने के लिए? और आराम से करेंगे, हमें कोई भी जल्दी नहीं है किसी भी चीज के लिए. ठीक है? Have patience. So my question is, what all did you have in your childhood? In your childhood. Childhood बोलते हैं बेटा बचपन को. और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है मैं कि बचपन में आपके पास क्या क्या था. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या क्या है आपके पास, मैं पूछ रहा हूँ what all did you have in your childhood. बचपन की बात पूछ रहा हूँ, बचपन में क्या क्या था. मतलब आज मैं आपसे पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में आपके पास क्या क्या था. 1 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था. और बताने का तरीका कितना आसान है. देखो, मेरे पास बचपन में ये था, यही तो बताना है आपको. तो आपको बोलना है आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड. MC मतलब माई चाइल्डहुड. आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड मतलब यहाँ पर उस चीज का नाम आएगा जो बचपन में आपके पास थी. बचपन में या कुछ समय पहले, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. सिंपल, मेरे पास बचपन में टॉय था. आई हैड अ टॉय इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास बचपन में एक झूला था. आई हैड अ स्विंग इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे पास एक टॉय कार थी. आई हैड अ टॉय कार इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे. आई हैड मैनी फ्रेंड्स विद मी इन माई चाइल्डहुड. समझ में आ गया ना. बोलना आपको ये 50 सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करनी है. कितना बेटा? 50. नो ट्रांसलेशन, सिर्फ चीजों के बारे में सोचना है. थोड़ी देर बाद आपके पास सामान खत्म हो जाएंगे जो बचपन में थे. ठीक, तो आप ये वर्ड हटा सकते हो. बचपन की बजाय आप बोल सकते हो मेरे पास ये था. जरूरी नहीं है आपको रटना है, रटना नहीं है आपको. आज टाइमिंग सीखनी है, आज की टाइमिंग है कि मेरे पास पास्ट में ये चीज थी. मेरे पास एक कार थी. आई हैड अ कार. मेरे पास एक फोन था. आई हैड अ फोन. लिखो कॉमेंट में, लिखो दो चीज आपके पास क्या क्या था. दो चीज लिख दो कॉमेंट में कि मेरे पास ये चीजें थी. मेरे पास एक ट्राईपॉड था. आई हैड अ ट्राईपॉड. आई हैड अ बाइसिकल. मतलब हिंदी बोलनी नहीं है आपको, या आपकी मदर टंग में कुछ नहीं बोलना, डायरेक्टली आपको इंग्लिश बोलनी. आई हैड टू चेयर्स. आई हैड सम फ्रेंड्स. आई हैड अ गर्लफ्रेंड. आई हैड किचन इन माई हाउस. आई हैड एक्चुअली टू किचन्स इन माई हाउस. एंड आई हैड अ डिजिटल वॉच 2 years ago. 2 साल पहले मेरे पास थी. मेरे पास एक रेड कलर का बैग था. आई हैड अ रेड बैग 2 years ago. पास्ट में मेरे पास ये चीज़ थी, तो हमें बोलना है आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड. इन माई चाइल्डहुड 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, 10 years. ठीक है, हो गया प्रैक्टिस. कितना सिंपल है ना. आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड या आई हैड दिस थिंग. ये 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है. ऐसे बोलना है बेटा नज़रों से नज़र मिला के. आई हैड अ लैपटॉप इन माई चाइल्डहुड. आई हैड अ ट्राईपॉड इन माई चाइल्डहुड. आई हैड अ कॉट इन माई चाइल्डहुड. कॉट मतलब खाट. आई हैड अ बेड इन माई चाइल्डहुड. और बचपन में मेरे पास क्या क्या था. हाँ, आई हैड सो मैनी टॉयज इन माई चाइल्डहुड. आई हैड अ डिजिटल पेन इन माई चाइल्डहुड. आई हैड अ स्लेट इन माई चाइल्डहुड. एंड आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. आई हैड टू ब्रदर्स इन माई चाइल्डहुड. I had a red bag in my childhood. I had a police costume in my childhood. इस तरीके से बोलना, ठीक है. और ये सोचने में इंग्लिश ही इंग्लिश है, हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, नो ट्रांसलेशन. चलिए आगे. अब हमारा टास्क नंबर 2 है. क्या है? What all didn't you have? Didn't you have in your चाइल्डहुड. अब आपको बताना है कि आपके बचपन में आपके पास क्या क्या नहीं था. बताना कैसा है? आई डिंट हैव दिस थिंग. ठीक है,
मेरे पास ये नहीं था, ये लिखा है आई डिड नॉट हैव, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डिंट बोलते हैं. सो मेरे पास ये नहीं था, आई डिंट हैव दिस थिंग. मेरे पास कार नहीं थी, आई डिंट हैव अ कार. मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, आई डिंट हैव अ गर्लफ्रेंड. मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था, आई डिंट हैव अ न्यूज़पेपर. समझ में आया? मेरे पास कैलेंडर नहीं था, आई डिंट हैव अ कैलेंडर. मेरे पास कोई पेंटिंग नहीं थी, आई डिंट हैव अ पेंटिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट गाइस, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं था. ठीक है, कन्फ्यूजन में मत होना कि यहाँ हैड क्यों है या हैव क्यों है. आप यहाँ ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू से थिंग्स इन इंग्लिश बिकॉज इट्स अ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, नॉट अ इंग्लिश ग्रामर प्रोग्राम. ये बात याद रखेंगे. आई डिंट हैव दिस थिंग, राइट? मेरे पास ये नहीं था, आई डिंट हैव दिस थिंग. बचपन में आपके पास क्या क्या नहीं था? आई डिड नॉट हैव दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड. ध्यान से देखना, अभी मजा आएगा आपको. कितने सेंटेंस बोलने बेटा? 50 सेंटेंस. देखो, बचपन में ना आपके पास वो चीज़ें नहीं थी जो आज आपके पास हैं. मेरे पास ये शर्ट बचपन में नहीं थी. अबे इतना बड़ा साइज थोड़े ना पहनता हूँ मैं बचपन में. ठीक है, तो आई डिंट हैव दिस टी शर्ट इन माई चाइल्ड. अभी तो मेरे चश्मा लग गया, बचपन में थोड़ी ना था. आई डिंट हैव दिस स्पेक्टिकल इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास ये भी नहीं था. अरे बोर्ड भी नहीं था मेरे पास. आई डिंट हैव दिस बोर्ड इन माई चाइल्डहुड. ये मार्कर नहीं था मेरे पास बचपन में. आई डिंट हैव दिस मार्कर इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी. आई डिंट हैव नॉलेज इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास दोस्त नहीं थे बचपन में. आई डिंट हैव फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास कार नहीं थी बचपन में. आई डिंट हैव कार इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास है ना वॉच भी नहीं थी बचपन में, अभी भी नहीं है. सो आई डिंट हैव वॉच इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास टीवी नहीं था. I didn't have TV in my childhood. DSLR कैमरा भी नहीं था मेरे पास. I didn't have DSLR कैमरा in my childhood. तो आपको है ना, मैं तो आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वीक भी हो सकते हैं यहाँ पर कि उन्हें बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ. अदरवाइज आई डोंट नीड टू यूज़ हिंदी इन माई लैंग्वेज, राइट? ध्यान से समझना ये बात. सो मेरे पास क्या नहीं था? आई डिड नॉट हैव दिस थिंग. मेरे पास क्या क्या नहीं था, मैं आपको 10 थिंग्स बता रहा हूँ. ऐसे ही आपको घर पर 50 की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं 10 की कर रहा हूँ, राइट? सो आई डिंट हैव अ येलो टी शर्ट इन माई चाइल्डहुड. आई डिड नॉट हैव अ चेयर इन माई चाइल्डहुड. आई डिड नॉट हैव अ ब्लैक पेंटिंग इन माई चाइल्डहुड. आई डिंट हैव अ ब्लैक मार्कर इन माई चाइल्डहुड. आई डिड नॉट हैव दिस टी शर्ट इन माई चाइल्डहुड. आई डिंट हैव एन आईफोन इन माई चाइल्डहुड. एक्चुअली आई डिड नॉट हैव Android phone in my childhood. I did not have a tripod in my childhood. I didn't have a daughter in my childhood. I didn't have friends in my childhood. I didn't have knowledge in my childhood. And I didn't have a bag in my childhood. कुछ भी चीज का नाम आप बताओगे कि मेरे पास ये बचपन में नहीं था. समझ में? अब है आपका टास्क नंबर 3 जो आपको करना है, and that is ask. Do you have this thing? Do you have? अब आपको पूछना है कि क्या आपके पास ये चीज है. कैसे? सॉरी, डिड यू हैव, नॉट डू यू हैव, डिड यू हैव. आपको पूछना है क्या आपके पास बचपन में ये था, या 2 साल पहले ये आपके पास था, या 10 साल पहले ये आपके पास था. आपको पूछना है, ठीक है? कैसे पूछेंगे? पूछना बहुत आसान है बेटा. डिड यू हैव this thing in your childhood, क्या बचपन में आपके पास ये था? या इसकी जगह ना कोई टाइमिंग का यूज कर लेना, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, मतलब पास्ट के बारे में पूछ लेना. ठीक है, कैसे पूछेंगे? ध्यान से देखो. डिड यू हैव दिस थिंग इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आपके पास कैमरा था? डिड यू हैव कैमरा इन योर चाइल्डहुड? क्या बचपन में आपके पास फोन था? Did you have phone in your childhood? क्या बचपन में आपके पास कार थी? Did you have a car in your childhood? पूछना आ गया? तो अब इसमें मत देखो यार, मुझे देखो, सीधे देखो, बात करो ना सीधे सीधे. कैसे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ गाइस. Did you have a car in your childhood? Did you have a marker 2 years back? 2 years back मतलब 2 साल पहले. या इसे हम बोल सकते हैं 2 years ago.
आगो भी बोल सकते हैं और बैक भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात पुराने टाइम की चल रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कितने क्वेश्चन पूछने हैं? 50 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछने हैं कि डिड यू हैव, डिड यू हैव मतलब क्या तुम्हारे पास ये था, ठीक है। सो क्या तुम्हारे पास कार थी? डिड यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास ट्राईपॉड था? डिड यू हैव अ ट्राईपॉड। क्या तुम्हारे पास दोस्त थे? डिड यू हैव सम फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे पास ये आइडिया था? डिड यू हैव दिस आइडिया। हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, ये मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। आपको क्या पूछना है? डिड यू हैव के 50 क्वेश्चन। कैसे पूछोगे? टेल मी, डिड यू हैव अ कार? डिड यू हैव अ बाइसिकल 2 years ago? डिड यू हैव अ निपल बॉटल इन योर चाइल्डहुड? यू नो, डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ स्कूल बैग व्हेन यू वाज गोइंग टू स्कूल? समझ में आया ना? मतलब पास्ट के बारे में बात करनी है कि क्या ये चीज आपके पास थी। डिड यू हैव दिस थिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे कितने सेंटेंस हो गए आज भी? 150 सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलेंगे। ट्रांसलेट नहीं करोगे, क्या करोगे? बोलोगे। ट्रांसलेशन में कराऊंगा आगे जाके, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब तक कि सर आई डोंट नीड टू ट्रांसलेट एनीथिंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ओके? आप बोलने लग जाओगे इसी कोर्स में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरा बेसिक क्वेश्चन आपसे है, व्हाट ऑल डिड यू हैव इन योर चाइल्डहुड? आपके पास बचपन में क्या क्या था आप बताओ। सर आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्ड। सर आई हैड अ पेन इन माई चाइल्डहुड। आई हैड अ बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड। आई हैड अ गर्लफ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। आई हैड अ चेयर इन माई चाइल्डहुड। एंड आई हैड सो मैनी प्रॉब्लम्स इन माई चाइल्डहुड। एंड आई हैड टाइम इन माई चाइल्डहुड। बचपन के समय में टाइम रहता है। 50 सेंटेंस बोलोगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डिडंट यू हैव इन योर चाइल्डहुड? बचपन में आपके पास क्या क्या नहीं था? आप बोलोगे आई डिड नॉट हैव दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड। कैसे बोलोगे? सर आई डिड नॉट हैव सो मच मनी इन माई चाइल्डहुड। सर आई डिडंट हैव 2000 rupees नोट इन माई चाइल्डहुड। सर आई डिडंट हैव अ DSLR कैमरा इन माई चाइल्डहुड। सर आई डिड नॉट हैव अ स्मार्ट वॉच इन माई चाइल्डहुड। सर आई डिडंट हैव अ नोटबुक इन माई चाइल्डहुड। सर बचपन में मेरे पास तो घड़ी भी नहीं थी। आई डिडंट हैव वॉच इन माई चाइल्डहुड। तो आपको ऐसे बताना है। कितना? 50 सेंटेंस बोलने हैं आज आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क डिड यू हैव दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड। आपको पूछना है, डिड यू हैव अ कैमरा इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ स्पेक्टिकल्स इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ मार्कर इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ माइक इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ येलो टी शर्ट इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ एनिमी इन योर चाइल्डहुड? डिड यू हैव अ पैट इन योर होम? एंड डिड यू हैव अ वाईफाई राउटर इन योर होम? डिड यू हैव अ पावर सप्लाई इन योर होम? मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हैं। आपको पूछना है कि आपके पास ये चीज़ थी, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ मैंने आपको आज सिखाई है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो, कोई ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करें। वी आर जस्ट स्पीकिंग। आई एम आस्किंग द थिंग्स, व्हाट ऑल डू यू हैव, व्हाट ऑल डिड यू हैव, और आप उसका रिस्पोंड कर रहे हो। आप उसे ट्रांसलेट करोगे तो आपकी गलती है। क्या करना है? जस्ट यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट द थिंग्स कि मेरे पास ये था या नहीं था। था तो बोलते चलो। सर आई हैड दिस थिंग, आई हैड दिस थिंग, आई हैड दिस थिंग, आई हैड दिस थिंग, आई हैड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड। नहीं था, आई डिड नॉट हैव दिस थिंग, 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 आई डिड नॉट हैव दिस थिंग। पूछना है, डिड यू हैव दिस थिंग, 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 डिड यू हैव दिस थिंग। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू विल मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड यू विल नॉट ट्रांसलेट, यू विल ओनली स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सीखते रहिए इंग्लिश विद आशीष। थैंक यू सो मच।